नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। अनुग्रह के कार्यालय संवाददाता अशोक मेघवाल ने बताया कि श्री गंगानगर के अनुग्रह में बार संघ में अनुग्रह ज्योति द्वारा बार संघ अध्यक्ष रमेश सारस्वत की अध्यक्षता में कोरोना वायरस महामारी के बचाव व फैलाव की रोकथाम हेतु अधिवक्ताओं के साथ अनुग्रह ज्योति ने मंथन किया और वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक राजचुक, एडवोकेट राकेश परनामी, एडवोकेट दिनकर पारिक, एडवोकेट चंद्रवीर सिंह, एडवोकेट राजेश डांगरा, एडवोकेट गुरतेज सिंह, एडवोकेट मांगीलाल मुंशी, मनोहर लाल चयन इत्यादि ने अपने विचार रखते हुए कोरोना महामारी से बचाव ही उपाय है के बारे में विस्तार रूप से बताया। इस मौके पर चैनल हेड श्रीमती चंद्र ओझा, पत्रकार ओम प्रकाश जुग जोशन इंटरनेशनल के सीईओ गुरप्रीत जोशन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु चल रहे लॉकडाउन के दौरान उल्लेखनीय समाज सेवा करने पर अधिवक्ता तिलक राज चुग, एडवोकेट सोमदत्त कचोरिया, एडवोकेट एवं सेवा भारती के प्रांतीय प्रतिनिधि दिनकर पारिक, एडवोकेट अमित धूड़िया, एडवोकेट यशपाल टाक, बार संघ के अध्यक्ष रमेश सारस्वत को कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया तथा बार संघ प्रमाण में ही भारत संघ में पंजाब केसरी के पत्रकार ओम चुग को भी अनुग्रह ज्योति ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अनुग्रह ज्योति की तरफ से राकेश परनामी ने समस्त अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। कानून के रखवालों से हमें बहुत ही कोरोना के संबंध में उपाय, बचाव, फैलाव को रोकने, बाहर से आए हुए लोगों पर कैसे अंकुश लगाए, बहुत से अच्छे अमूल्य सुझाव मिले, इस बारे में यहाँ मंथन किया गया। बहुत ही अच्छा लगा और इससे निश्चित तौर पर हम कोरोना से बच पाएंगे और कोरोना के फैलाव को रोक पाएंगे। इस तरह अगर बुद्धिजीवी वर्गों की मंथन कार्यक्रम होते रहे तो कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और अगर प्रशासन बरतेगा भी, जैसे बताया कि हम प्रशासन को सूचना देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते, तो हम उन पर अंकुश लगाएंगे। हम प्रशासन पर ये कोताही बरतने नहीं देंगे। SDM साहब से हम भी बात करेंगे, आप भी बात करना कि भी इस तरह से, और नाम भी नहीं बताया जाए। नाम बता करके क्यों आमजन क्यों दुश्मनी ले किसी से, अगर उसके पड़ोस में है, अगर उसका नाम बता दिया जाए तो ये इसने हमारी कंप्लेन की है, ऐसा क्यों? प्रशासन को, कंट्रोल रूम को नाम बताना चाहिए। उन्हें मतलब है कि अपने को फैलाव को रोकना, कोरोना को सभी का उद्देश्य एक ही है और सभी जनहित में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आमजन हो, चाहे कोई स्वयंसेवी संस्थाएँ हो। तो नाम नहीं बताना चाहिए। SDM साहब से हम बात करेंगे, आप भी करना और तुरंत कार्रवाई हो, ऐसी हम उनसे गुजारिश करेंगे। शायद SDM साहब बाहर गए हैं लेकिन जो भी है उनके PA है उनसे कर लेंगे। और आज हम जो आप लोगों के प्रयास से अनूपगढ़ बचा हुआ है, बाहर के एक व्यक्ति को अनूपगढ़ में जोड़ दिया गया, ये बड़ा दुखद विषय है, लेकिन फिर भी अभी बचा हुआ है और बचा रहेगा। इस तरह के प्रयास जारी है तो हम जो इसमें सेवाएँ देने वाले हैं उनको हम अनुग्रह ज्योति की तरफ से सम्मान तो क्या कहेंगे, एक प्यार देना चाहते हैं और वो एक प्रस्तुति पत्र के रूप में। तो आप हमारा जो ये सम्मान है, प्यार है, ये स्वीकार करें और आपका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं कि इस जो ये महामारी का फैलाव हो रहा है इसमें आप इसी तरह से सेवा करते रहेंगे, सेवा देते रहेंगे। जनता की सुरक्षा भी आपके हाथ में, क्योंकि आप कानून के रखवाले हो। आप कोर्ट को भी, आप सभी को, प्रशासन को भी चेता सकते हो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे हैं। वो आप में ही ताकत है, क्योंकि एक अधिवक्ता में बहुत ताकत होती है। वो अपनी बात न्यायालय में रख करके कानून की रक्षा करता है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हमारी नज़रों में हम उनका सम्मान करते हैं तो हम आज आपको देना चाहते हैं सम्मान या प्यार, इसे स्वीकार करें और कोई गलती नहीं होगी। बार संघ के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों और अध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत आभार अनुग्रह ज्योति की ओर से कि आपने अपना कीमती समय निकाला और बार संघ में जो है आज एक छोटा कार्यक्रम आपके द्वारा रखाया गया, इसके लिए अनुग्रह ज्योति की ओर से तो बाद में है। लेकिन सन 1990 और 91 में एक छोटा सा एक अखबार अनुग्रह ज्योति साप्ताहिक, पहले पाक्षिक और फिर साप्ताहिक अखबार अनूपपुर में पहला अखबार निकालने वाले हमारे मैडम चंद्र ओझा जी हैं, जिन्होंने एक समाज का आईना बन करके अनूपगढ़ में जो है लोगों को अवगत कराया। छोटी छोटी बात तो हम लोग क्लास किया करते थे, बड़ी मेहनत करी, बड़ी उस समय बड़ा मुश्किल टाइम था,
एक एक अक्षर को उठाकर के प्रिंटिंग प्रेस से समाचारों को सेट करना पड़ता है, तो हर सारी रात लग जाया करती है। तो उस समय से ये जो है हमारे हिसाब से उस समय योद्धा के रूप से ही आज तक चले आ रहे हैं, और एक महिला होकर के जो है इतना अच्छा कार्य आप लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब जो है आपने ये इतना बड़ा काम किया है कि हर एक कोरोना योद्धा को आप जा जा करके और बुला बुला करके ये सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब स्कूलों में बाल सभा हुआ करती थी तो एक पेंसिल मिला करती थी, तो वो पेंसिल इतना कुछ कर जाती थी, मतलब शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को वो पेंसिल ही जो है ना आज इस जगह पर लेकर के आई है। वो बाल सभा में पेंसिल मिली तो वो मेरे को आज तक कुछ हौसला बढ़ाती रही, प्रोत्साहित करती रही, और आज मैं जो है कोरोना योद्धा के रूप में मेरे को आपने सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो एक और बात जो मैं रखना चाहता हूँ, दिनकर जी पालिका हमारे सेवा पार्टी का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्वावलंबन एक बहुत बड़ी चीज़ है, महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को। अब एक मेरे को आपको एक प्रोजेक्ट लेकर के शायद आ रहे हैं जिसमें ये रेडियो बनवाई है आपने, बनाइए क्या? हाँ, रेडियो बनवा रहे हैं ये, जिसमें क्या गरीब लोगों को फ्री में, मेरे को पूरा जानकारी नहीं, जितनी मेरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जो कुछ सुना है, जो कुछ बताया, कि ये जो है ना रेडियो बनवा रहे हैं जिसमें वो गरीब लोगों को ये देंगे, उसमें सामान भी दोगे आप एक बार? तो आप कुछ बता रहे हैं उसमें क्या कर रहे हो आप? क्योंकि ये डोली है, इनका व्यापार खत्म हो गया, कुछ लोग दूर जाते थे शादी ब्याह के अंदर, कुछ वेटर का काम करते थे, कुछ बाहर जाकर काम करते थे, वो सब बाहर जाना बंद हो गया, ये शादी ब्याह बंद हो गए, सत्संगों में कुछ ढोलकी जाता था वो बंद हो गए। हमने देखा कि कुछ एक इस बस्ती के अंदर एक ढोलकी के मास्टर है, वो क्या ढोलकी जाता था और इंडोनेशिया तक गया हुआ था ढोलकी जाने के सत्संग के अंदर, उसकी 5 ढोल की बच्चियाँ हैं उसकी। मैंने कई दिन पहले देखा वो भीख मांग रही थी बच्चियाँ, ये अच्छा ठीक है रोके अच्छी जाता है, कमाता भी ठीक था, ठीक क्या बात होगी? तो वो कहते हैं वैसा इसको काम बिल्कुल बंद है, घर में राशन के लिए एक दाना भी नहीं है, अब क्या करें? अब उसको दान मंडी में लगाया, कि दान मंडी के अंदर क्या काम बड़ा हार्ड होता है, हर एक उसको काम किया तो कर नहीं पाता। तो फिर हमने उसको ऐसे करके हमने योजना बनाई कि हम कुछ रेडियो उपलब्ध करवाएंगे, जैसे जिसके अंदर वो कुछ सब्जी का है, फ्रूट का है, या कोई छोटे मोटे कोई बरमूडा, कोई टी शर्ट, कोई बनियान, कोई ऐसा कुछ उपलब्ध करवाएंगे। ये रेडियो हमने समाज के सहयोग से बनाई है, एक बार मेरे पिताजी के नाम से बनाई है रेडी, इंद्रेंद्र वैसा अपने पिताजी के नाम से बनाई, ऐसे करके हमने कुल 5 दानदाताओं को हमने लिया सहयोग, और 11 हजार की ऐसे कर 5 रेडियो हमने करवा दी, और आगामी हमने करीब 50 ऐसे परिवारों को जो बिल्कुल कमजोर है, अंतिम छोर में रह रहे हैं, कोई काम नहीं आता, उनको हम ये बाजार से जो सब्जियां हैं वो हम इनको उधार दिलवाएंगे, ताकि ये 500, 200, 300 रुपए करके किस्तों में भर देंगे और हमारी गारंटी के ऊपर, और ये धीरे धीरे अपना काम खत्म कर देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक घर भी भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। इसी इसमें जागरूकता और सतर्कता दोनों की आवश्यकता, अनलॉकडाउन होते ही आम आदमी ने यह समझ लिया कि कोरोना आ गया, लेकिन कोरोना बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। अब तक ये बड़े शहर में था, गंगानगर, आज कर अब हमारी ओर बढ़ रहा है। अब होना क्या चाहिए? जिस तरह से लॉकडाउन लगा था ना, तो समाजसेवी संस्थाएं उठी, व्यापार मंडल आया आगे, ऐसी बार संघ आगे आया कि हम जो राशन किटें बांट रहे हैं, हम जो है रंगत की व्यवस्था कर रहे हैं, हम जैसे दिनकर पारिक जी ने जगह जगह पर सेवाएं की, अरुण वंश ने की, दिलीप जी ने की, अरुण वंश या बार संघ ने की, व्यापार मंडल ने की। अब आवश्यकता ऐसी है कि युवा शक्ति आगे आए, युवा शक्ति अपनी टीमें बनाए और वो प्रशासन के साथ में मिल करके प्रशासन को ये बताए कि हम तैयार हैं, कैसे एक योद्धा के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में। वो टीमें जगह जगह पर इकट्ठी होकर के पहले तो बाजार में जागरूकता अभियान बढ़ाएं, हर एक दुकान वाले को जाकर के समझाए कि देख भाई हालात बहुत खराब है, आगे आने वाला टाइम बहुत खतरनाक आ रहा है, अपनी की रक्षा करो, इस हमारे शहर की रक्षा करो, रक्षा में हमारा सबका बचाव है। तो उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, वहाँ पे मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक दुकान के आगे एक दो युवा खड़े हो, जैसे ही भीड़ होती है उनको पहले हटाओ, हो जाए इनको दूर करो थोड़ा सा, तब जाकर के जागरूकता अभियान होगा, तब लोगों को लगेगा कि यार अभी कोरोना हमारे बीच में आने वाला है, इससे डरो नहीं। तो अब जैसा लोगों ने समझ लिया कि कोरोना तो गायब हो गया, वो एक विस्फोट होने वाला है, मैं तो ये मानता हूँ कि विस्फोट होने वाला है, अब अगर नहीं संभले तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं बड़े शहरों के हालात कितने खराब हैं, दिल्ली की इतने हालात खराब हैं कि शमशान, एक कल डेड बॉडी दिखा रहे थे, 3 दिन से पड़ी है शमशान घाट में, जगह नहीं है उसके लिए, शमशान घाट वाले उसको वहां पर करने नहीं दे रहे, इतनी हालात खराब है। तो ठीक है, अपने गगन डिस्ट्रिक्ट बचाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुरक्षित हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो इसके लिए युवा, जैसे 1971 में जब पाकिस्तान
और भारत का युद्ध हुआ था ना तब डार्क जोन, डार्क जैसे अब लॉकडाउन है ना वैसे डार्क जोन बना हुआ था कि अंधेरा होना चाहिए। रात को क्या होता था कि पहले लगते थे तो युवा वर्ग की ड्यूटी लगाई जाती थी गलियों में, उसमें गेट ये नहीं होते थे, झिरियों वाले गेट होते थे, तो उसमें रोशनी न आए तो वहाँ पे मिट्टी लगाई जाती थी, उनके ऊपर बंद किया जाता था कि रोशनी दिखाई देनी चाहिए कहीं भी, डार्क जोन होता था उसमें। तो उसी तरह युवा वर्ग आगे आए, हरेक मोहल्ले में तीन तीन चार चार युवा वर्ग घूमे, शहर की मार्केट के अंदर युवा वर्ग जाए, हरेक जहाँ भी उसको लगता है कि इस दुकानदार को उतारने की जरूरत है या ये बंदा फालतू घूम रहा है, उनको लग रहा है कि बंदा फालतू घूम रहा है बाजार के अंदर, उसको रोक लिया जाए, भाई बोल के सर क्या काम, किस काम के लिए आया है बाजार में, क्या काम है तेरा। अगर उसको आपको लगता है कि काम नहीं है तो उसको पहले तो प्यार से समझाया जाए, घर पर जाके बैठ, नहीं तो फिर बड़ा सा सहयोग लिया जाए उसको घर बैठाने के लिए, मतलब जितना उसके लोगों को यही समझाया जाए कि भाई घर के अंदर रहो, बाहर तो बहुत ही जरूरी काम है ना आपकी, एमरजेंसी है ना तब भी आप बाहर निकलो, बस इस जागरूकता की इस समय जरूरत है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से विस्फोट होगा और हम लोग उसकी चपेट में आगना नहीं रह सकते। युवाओं को आगे आने की जरूरत है, युवा शक्ति इस समय आगे आए, जिस तरह से राशन का वितरण हुआ, किटों का वितरण हुआ, मास्कों का वितरण हुआ, ऐसे एक युवा टीम बने बहुत बड़ी, कम से कम 100 बंदों की युवा टीम हो जिसे उम्र सिर्फ 30-35 साल की, जिसमें यूनिटी पावर तकड़ी होगी। अच्छा कोई हमारे 60-70 साल वाले लोगों को वहाँ पे बाजार में तो वह मर जाएंगे, ऐसी एक टीम की आवश्यकता है। साथी मेरे अधिवक्ता साथी, मैं अनुपुर ज्योति चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये है और उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो सामाजिक क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ कर शुरू कर रहे। कोरोना संक्रमण बीमारी है, इस समय जब कोई बाहर ही नहीं निकलता, घर से बाहर निकलने की मनाही है, उस समय चैनल वाले मेरे अधिवक्ता साथी जिनको इन्होंने सम्मानित किया है या जो अभी लगे हुए हैं सेवा में, वो सब लोगों की सेवा के रूप में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि घर से बाहर निकल कर एक भी दिन इन्होंने चूक नहीं की, नहीं तो हजारों गायों की समस्या हो जाती, गाय भूखी मर सकती थी, प्यासी मर सकती थी, या ऐसे लोग भूख्यास से मर सकते थे, कुपोषण के शिकार हो सकते थे। लेकिन आप सब जो आज सम्मानित हुए हैं, जैसे दिनकर पारी के सेवा भारतीय समिति के परमानंद जी है, लोगों की सेवा की परमानंद जी है इनके साथ, और हमारे अधिवक्ता जिनको आज आपने सम्मानित किया है, इनके अलावा भी और काफ़ी अधिवक्ता है जो सामने नहीं आते, वो पिक्चर में नहीं आना चाहते और उन्होंने मना कर दिया कि हमारा नाम लेना नहीं हो, पर उन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से और बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, और आपके जो ये प्रयास है, आपने जिनको सम्मानित किया है, निसंदेह इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उत्साहवर्धन होगा और बढ़ चढ़ कर जो है ये सामाजिक सेवा में आगे आएंगे। आप पधारे, आपका पुनः आभार, धन्यवाद। तब वो इस तरह से जो हमारे घर पड़ा है वो हम लाके बोर्ड में जमा करा दें, तब तक वो इस तरह सा घर रहेगा, उसकी फोटो खींच के हमने जो इसकी मेल है, अलग उसको तीन चार कोर्टें काम कर रही है अभी, चारों कोर्टों की मेल जो है ना उस पर हम डाल देते हैं इस तरह सा, या जो प्रजेंट वर्क है इस तरह सा हो गया या फिर स्थगन आदेश हो गया, ये यही काम हो रहे हैं और कुछ कोई काम नहीं हो रहा, तो वो मेल में डाल देते हैं, मेल से ये उठा देते हैं। और जैसे इस तरह से मैं परिवादी की बात सुननी हो, कोई की बात सुननी है या परिवादी की बात सुननी है जो भी हो, तो उसको भी वीडियो कॉल के जरिए साहब उससे पूछेंगे कि क्या बात है, इस तरह से मैं आपने ये नहीं करा, बताओ क्या क्या बात है, तो वो अपनी बात बताते हैं और उसके बाद में 156 के आदेश कर देते हैं, थाना चला जाता है वो मामला। स्थगन वाला है तो स्थगन भी इस हिसाब से सुनते रहो, स्थगन उनको जैसा लगता है कि स्थगन बनना है तो दे देते हैं, नहीं बनना तो नहीं देते, इसके अलावा कोई भी काम नहीं देते। हम हमारे चैम्बर में बैठे हैं जैसे घर बैठे हैं, चैम्बर भी हमारे ऐसा डिस्ट्रिक्ट में भी कम है, जैसे हमारा चैम्बर जो है 10x10 का है, सोशल डिस्टेंस की पालना हो रही है, मास्क हम लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर होके रखते हैं, सैनिटाइजर कोर्ट को हमने 2-3 बार सैनिटाइजर करवा दिया, कोर्ट को हमारे चैम्बर्स को और जो भी सरकारी बिल्डिंग है उनको सैनिटाइज, नगर पालिका वाले बोलते हैं और वो सैनिटाइजर कर देते हैं, सफाई हो रही है नगर पालिका वाले आ रहे हैं सफाई कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, हालांकि आदमी भी नहीं आ रहे, जनता नहीं आ रही, इसलिए सफाई व्यवस्था भी प्रॉपर है, ऐसी कोई बात नहीं। जनता
किया जाए, जनता का कोई असर ही नहीं है। अब जैसे खोल दिया तो जनता तो सोच रही कि अब सब कुछ खोल दिया, सामान्य हो गई वो। नहीं, उसका तो यही है, जनता हमारे पास जैसे आते हैं क्लाइंट, हम प्रत्येक को कहते हैं से दूरी बना के रखो, प्रत्येक क्लाइंट को हम समझाते हैं भाई दूर रहे, दूर से उसकी फाइल देखते हैं, दूर से उसकी बात देखते हैं। तो हम काम करना चाहते हैं सेवा के क्षेत्र में, कोई भी काम हो, क्योंकि ये हम सिर्फ प्रशासन पर नहीं डाल सकते, प्रशासन का जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम संभव नहीं है। तो ये हमारा लेटर पेड है, आपको जहाँ लगे कि आपको हमसे चौकीदारी करवानी है, हम चौकीदारी करने के लिए तैयार हैं, आप हमें कोई भी काम बताओ हम तैयार हैं, प्रशासन के साथ है शुरू करने के लिए। तो प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया, धन्यवाद दिया कि आपने हमें पूछा, इसके लिए हमारा भी उत्साहवर्धन हुआ है। और निसंदेह आप अपने क्षेत्र में अपने आसपास कोई अगर बाहर से आता है, कोरोना संदिग्ध आता है और आपको लगता है कि ये आदमी अनुकूल करनी है बाहर से आया है, तो आप उस आदमी की सूचना प्रशासन को दो, आप भी लोगों को जागरूक करो ग्रामीण। और जब प्रशासन कहे आपको अगर जरूरत हुई प्रशासन को, तो हम आपको बुला लेंगे। तो यही है, और हमारा प्रयास, हमारे सभी क्योंकि वकील समुदाय अग्रणी समाज, समाज का अग्रणी अंग है और समाज भी अपेक्षा करता है कि वकील क्या कहेगा क्या करेगा। तो हमारा प्रयास ये रहता है, हम लोगों को बताते हैं कि भी इस हिसाब से इस कोरोना से बच सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंस की बात आई, मास्क की बात आई, सैनिटाइजर की बात आई, पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा इकट्ठे ना हो वो बात है, घर में रहो, तो ये हम लोगों को कहते आ रहे हैं। प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहोगे जिससे कि इस महामारी की रोकथाम लगे या इससे बचाव हो, उसके फैलाव कम हो? प्रशासन से तो ये है कि हमारा प्रशासन को यही कहना है कि आप सख्ती थोड़ी रखें, होता ही ना बढ़ते इस मामले में, क्योंकि अभी तक अनूपपुर क्षेत्र में, अनूपपुर तहसील क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। तो आप जो भी चीज़ है, आप जैसे आम मुंह के कोई काम नहीं करो कि ये मेरा निजी आ गया या इसका प्रेशर है, आप उस हिसाब से देखो कि कहीं अपने को फर्स्ट ये देखना है कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। आपको मैं बताती हूँ अध्यक्ष जी, ये जो जवान मिले हैं ये अनूपगढ़ में ही आ रहे हैं, ये पहले तो बरसाना गए, लेकिन बरसाना वालों ने क्वारंटाइन अपने यहाँ एन पी ओ स्कूल के अंदर, स्टाफ सांवरिया जी का स्कूल है उसमें कर दिया, तो ये अपने अनूपगढ़ के अंदर आ गया, ये केस अनूपगढ़ में ही आया। मैं निवेदन करूँ मैडम इस बारे में, जैसे अनूपगढ़ में आ रहे हैं ना, गाँव के जो लोग हैं ना, शहर की अपेक्षा गाँव के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है। गांव में एक भी आदमी अगर कहीं बाहर से आ गया तो गांव वाले कहेंगे वो इस बस से चला हुआ है और ये पाँच मिनट बाद में इस स्टैंड पे पहुंचेगा, ये मोटरसाइकिल लेके जाएगा या गाड़ी जाएगी उसको लेके आएगी, गांव वाले इतनी तक सूचना देते हैं अपने पंचायत समिति को। लेकिन शहर में ये थोड़ी सी क्या है कि लोगों को समझ कम है, लोग क्या सूचना नहीं देते। अगर अब जैसे कोरोना जो फैल रहा है ना, सिर्फ बाहर से आ रहे हैं लोग, उन्हीं की वजह से फैल रहा है, लोग यहाँ से कोई कोरोना पैदा नहीं हो रहा। अगर हम सूचना दें प्रशासन को कि हमारी गली के अंदर फला आदमी आया है, दिल्ली से आया है या पंजाब से कहीं से आया है, गुजरात अहमदाबाद बॉम्बे कहीं से आया है, तो ये ड्यूटी हम सबकी बढ़ती है कि वो सूचना प्रशासन के अंदर दे, और इस विषय में लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि कोरोना अपने घर अपने आप चल के नहीं आया, बाहर से ही आया, जो भी आया वो बाहर से ही आया।